बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सरत एंड यू आर वाचिंग 5 W's ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम ओथेलो के एक्ट 4 के सीन 2 का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि डेसमोना ने ओथेलो के गुस्से की वजह से इयागो को हेल्प के लिए बुलाया है, जिस पर इयागो डेसमोना से कहता है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओथेलो का मूड जो है वो रियासती मामलों की वजह से ख़राब है। उम्मीद है कि जो सारे मामले हैं ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद डेसमोना और एमिलिया डिनर में शामिल होने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रोड्रिगो वहाँ पर आता है। अब हम देखते हैं कि रोड्रिगो इयागो से क्या बातें करता है। रोड्रिगो, आई डू नॉट फाइंड दैट दाउ डील्स जस्टली विद मी, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ जस्टली ऑनेस्टली ईमानदारी से काम कर रहे हो। इयागो, व्हाट इन द कॉन्ट्ररी, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रोड्रिगो, एवरी डे, हर दिन दाउ डेफ्स मी विद सम डिवाइस एक्सक्यूज, बहाना, डेफ्स मी टू टर्न असाइड, हर दिन तुम मुझे किसी ना किसी बहाने से एक तरफ कर देते हो। इयागो, एंड रदर, और बजाय इसके, एज इट सेम्स टू मी नाउ, जैसे कि मुझे अब लग रहा है keeps from me all conveniency, अपॉर्चुनिटी, मौका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे जो तमाम अपॉर्चुनिटी है वो मुझसे छीन रहे हो, मुझे मेरे पास से दूर लेके जा रहे हो। देन सप्लाइस्ड मी विद द लीस्ट एडवांटेज ऑफ होप, और बजाय मुझे कोई होप, सक्सेस की होप देने की, और मुझे कोई एडवांटेज देने के बजाय तुम मेरे सारे मौके जो है वो छीन रहे हो। आई विल इंडीड नो लॉन्गर एंड्योर इट, मैं तो बिलाशुबा इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगा। नॉर आई एम आई यैट परसुएडेड टू पुट अप इन पीस व्हाट ऑलरेडी आई हैव फुलिशली सफर्ड, और ना ही मैं इसको इस बात पर पीस में रहूँगा, खामोशी से सुकून में रहूँगा, व्हाट ऑलरेडी आई हैव फुलिशली सफर्ड, जो कि मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो मैं पहले ही बर्दाश्त कर चुका हूँ उस पर मैं चुप नहीं रहूँगा। इयागो, विल यू हेयर मी? रोड्रिगो, रोड्रिगो, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? रोड्रिगो, आई हैव हर्ड टू मच, मैंने बहुत पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है। एंड योर वर्ड्स एंड परफॉर्मेंसेज आर नॉट किन टुगेदर, तुम्हारे अल्फाज और परफॉर्मेंसेज, तुम्हारे जो एक्शन है वो एक दूसरे से किन टुगेदर मैच नहीं कर रहे, यानी तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। इयागो, यू चार्ज मी मोस्ट अनजस्टली, तुम तो मुझ पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। रोड्रिगो, विद नॉट बट नथिंग, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। आई हैव वेस्टेड माई सेल्फ आउट ऑफ मीन्स, मैंने अपनी तमाम रकम जो है वो वेस्ट कर ली है, ख़त्म कर ली है। द ज्यूल्स यू हैव हैड फ्रॉम मी टू डिलीवर डेसमोना वुड हाफ हैव करप्टेड आर वॉट आर एस, जो ज्यूल्स, जो जेवरात मैंने तुम्हें दिए थे, जो तुमने डेसमोना को पहुँचाने का कहा था, अगर मैंने उसे आधे भी किसी वॉट आर एस, किसी नन, किसी राहबा को दिए होते तो वो अब तक करप्ट हो चुकी होती, यानी वो मेरे साथ उसका मामला सेट हो चुका होता। यू हैव टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, शी हैथ रिसीव्ड देम, कि उसने, यानी डेसमोना ने उन जेवरात को ले लिया है। एंड रिटर्न मी एक्सपेक्टेशंस, उसके बदले में तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, एक्सपेक्टेशंस, मुझे उम्मीद दिलाई थी। एंड कम्फर्ट्स ऑफ सडन रिस्पेक्ट, कि डेसमोना जो है वो सडन फौरन ही एडमायर करेगी मुझे, मेरी तारीफ करेगी। एंड एक्यूटेंस, उसके साथ मेरी कोई सेटलमेंट हो जाएगी, उसके साथ मेरा जो अफेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट आई फाइंड नन, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। इयागो, वेल, गो टू वेरी वेल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगे रहो। रोड्रिगो, वेरी वेरी वेल, गो टू, क्या कह रहे हो, बहुत अच्छा लगे रहो। आई कैन नॉट गो टू मैन, आदमी सुनो, मैं ऐसे नहीं कर सकता, या मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नॉट, इज़ नॉट वेरी वेल, और ना ही ये सब कुछ ठीक है। नहीं, आई थिंक इट इज़ स्कर्वी, मुझे लग रहा है ये चीज़ें जो हैं बहुत ख़राब होती जा रही हैं, हॉरिबल होती जा रही हैं। एंड बिगन टू फाइंड माई सेल्फ ऑप्ट इन इट, और मुझे लग रहा है कि मैं तो चीट किया जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी वो जो प्लान है किसी चीटिंग में मैं शामिल हो गया हूँ। इयागो, वेरी वेल, बहुत अच्छा। रोड्रिगो, आई टेल यू इट्स नॉट वेरी वेल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब कुछ अच्छा नहीं है। आई विल मेक माई सेल्फ नोन टू डेसमोना, मैं खुद डेसमोना के पास जाकर उससे बात करूँगा। इफ़ शी विल रिटर्न माई ज्यूल्स, अगर वो मुझे मेरे जो ज्यूल्स हैं, मेरे जो जेवरात हैं वो मुझे वापस कर देगी। आई विल गिव ओवर माई सूट, मैं तो अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं गिव ओवर कर दूँगा, उसको तर कर दूँगा, छोड़ दूँगा। एंड रिपेंट माई अनलॉफुल सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटेशन में उसके जो मैं उसे अनलॉफुल जो उसको पाने की जो गलत ख्वाहिश है इस पर मैं रिपेंट कर लूँगा, तौबा कर लूँगा, यानी मैं डेसमोना का ख्याल छोड़ दूँगा। इफ़ नॉट, अगर उसने ऐसा नहीं किया, अश्योर योर सेल्फ, तो इस बात का तुम यकीन रखो, आई विल सीक सेटिस्फेक्शन ऑफ यू, मैं इसका जो जुर्माना है, मैं इसकी भराई जो है, यानी जेवरात की जो रकम है वो मैं तुमसे
वसूल करूँगा। आयागो यू हैव सैड नाउ, क्या तुमने अब अपनी सारी बात कह ली है? रॉड्रिगो ए यस एंड सैड नथिंग बट व्हाट आई प्रोटेस्ट इंटेंटमेंट ऑफ डूइंग, और मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने यही बताया है कि जो मैं करने का इरादा रखता हूँ। आयागो वाई, क्यों नहीं? नाउ आई सी देयर इज मटेरियल इन दी, अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो है वो गर्स है, तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत है। एंड इवन फ्रॉम दिस इंस्टेंट टू बिल्ड ऑन दी, और मुझे फौरन ही ये तुम्हारे मुतल्लिक मेरी ये राय कायम हो गई है, अ बेटर ओपिनियन तुम्हारे मुतल्लिक जो है, ये मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो फैसले की ताकत है देन एवर बिफोर, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। Give me thy hand, Rodrigo. Rodrigo, मुझे अपना हाथ दो। Thou hast taken against me a most just exception. तुम जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल exception के मुताबिक है। But yet I protest, I have dealt most directly in thy affair. लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, protest, मैं एहतजाज करूँगा, बताऊँगा कि मैंने तुम्हारे काम को directly, बिल्कुल सही, rightly, सही तरीके से किया है। Rodrigo, it hath not appeared, लेकिन ये ज़ाहर तो नहीं हो रहा, यानी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। Iago, I grant indeed it hath not appeared, मैं वाकई में मैं कहता हूँ कि ये नज़र नहीं आ रहा। And your suspicion is not without wit and judgment, और आपका जो शुबा है, जो आपका शक है, ये बिल्कुल अकल विट अकल और जजमेंट इंसाफ के मुताबिक है, यानी बिल्कुल ये अकल और इंसाफ पर मबनी है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। But Rodrigo, if thou hast that in thee indeed, लेकिन अगर Rodrigo, अगर आप में कोई काम करने की जो ख्वाहिश है, कोई काम करने का जज्बा है, which I have greater reason to believe now than ever, जिस पर मुझे यकीन है कि आपके अंदर इस काम करने का जज्बा पहले से ज़्यादा है, I mean purpose, courage and valor. यानी मेरा मतलब है कि आपके अंदर पर्पस, इरादा, करेज, हिम्मत एंड वालर, बहादुरी जो है पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। दिस नाइट शो इट, तो आप आज रात ये सब कुछ दिखा दीजिए। If thou the next night following enjoy not Desdemona, अगर आपने जो next night है following, यानी अगर दूसरी रात को अगर आपने Desdemona को enjoy ना किया, Desdemona को के साथ वो जो है एंजॉय ना किया, उसके मजे ना उड़ाए, टेक मी फ्रॉम दिस वर्ल्ड विद ट्रेजरी, तो मुझे इस दुनिया से ख़त्म कर दीजिएगा। विद ट्रेजरी वायलेशन ऑफ फेथ, मेरी बेवफाई की वजह से मुझे इस दुनिया से ले जाइएगा। एंड डिवाइस इंजन्स फॉर माई लाइफ, इंजन्स मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जरिया, और मेरी जो ज़िंदगी है उसके लिए कोई ज़रिया, यानी मुझे ख़त्म करने का कोई तरीका सोच लीजिएगा। Rodrigo, well, अच्छा, what is it, ये क्या है? Is it within reason and compass, क्या ये reason, अकल and compass और पहुँच के अंदर है? Iago, sir, yeah, जनाब, there is special commission come from Venice, Venice एक special order आया है to depute Cassio in Othello's place, कि यहाँ पर Othello की जगह पर Cassio को in charge जो है वो appoint किया जाए। Rodrigo, is that true, क्या ये सही है? Why then Othello and Desdemona return again to Venice, फिर Othello और Desdemona तो दोबारा वेनिस चले जाएं, वापस चले जाएंगे। आयागो, ओ नो, नहीं, ही गोज इनटू मोरिटानिया, आयागो तो मोरिटानिया जा रहा है। एंड टेक अवे विद हिम द फेयर Desdemona, अपने साथ जो ब्यूटीफुल Desdemona है उसको अपने साथ लेके जा रहा है। मोरिटानिया के बारे में आपको बता दूं कि ये नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है। Unless his abode be lingered here by some accident, यहाँ तक कि उसके जो abode staying है, उसका जो क्याम है, be lingered, वो extend हो जाए, तवील हो जाए, here by some accident, यहाँ पर उसका जो Othello का जो क्याम है वो किसी accident की वजह से तवील हो जाए, यानी उसे यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना पड़ जाए। Wherein none can be so determinate as the removing of Cassio, क्योंकि Cassio के हटाए जाने के बगैर कोई भी जो चीज़ है वो इतनी कंक्लूजिव, डिटर्मिनेट, कंक्लूजिव, नतीजा खेज नहीं हो सकती, यानी Cassio के हटाए बगैर हमारा काम जो है वो नहीं हो सकता। Rodrigo, how do you mean removing of him, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम उसको हटा दें? Iago, why, क्यों? By making him incapable of Othello's place, यानी हम उसको इस काबिल ही ना रहने दें, वो incapable, unable, उसको इस काबिल ही ना रहे कि वो Othello की जगह ले सके। Knocking out his brains, कि हम उसका जो सर है वो तोड़ दें। Rodrigo, and that you would have me to do, और तुम चाहते हो कि ये मैं करूँ? Iago, yes, if you dare do yourself a profit and राइट, अगर आप अपने लिए कोई प्रॉफिट, कोई फ़ायदा, राइट और अपना हक हासिल करने की हिम्मत, जरूरत रखते हैं। ही सब्स टू नाइट विद द हर्बल ट्री,
हर लॉटरी जो है वो प्रॉस्टिट्यूट होर को कहते हैं। आज रात वो अपनी जो महबूबा है उसके साथ डिनर करने वाला है, एंड ईदर विल आई गो टू हिम, और वहाँ पर मैं भी जाऊँगा। ही नोज नॉट येट ऑफ हिज ऑनरेबल फार्चून, और उसे अभी तक अपनी जो ऑनरेबल फार्चून, अपनी गुड लक यानी प्रमोशन का नहीं पता। इफ़ यू विल वॉच हिज गोइंग डांस, अगर आप वहाँ पर उसको जाते हुए देखेंगे यानी उसके रस्ते में खड़े होंगे, विच आई विल फैशन टू फॉल आउट बिटवीन 12 and 1, जिसका मैं अरेंज करूँगा, फैशन अरेंज करूँगा, मैं इस बात का बंदोबस्त करूँगा कि वो रात को 12 and 1 के दरमियान वहाँ पर जाए। यू मे टेक हिम एट योर प्लेजर, तो आप उसको वहाँ पे बड़ी आसानी के साथ पा सकते हैं। आई विल बी नियर टू सेकंड योर अटेंट, यानी मैं आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर टू सेकंड फौरी तौर पर आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगा। एंड ही शॉल फॉल बिटवीन अस, और वो यानी कैसी हमारे दरमियान गिर जाएगा काम। आइए स्टैंड नॉट अमेज्ड एट इट, इस पर स्टिल होकर खड़े ना हो यानी मुझे हैरानगी से ना देखें, बट गो अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आएँ। आई विल शो यू सच अ नेसेसिटी इन हिज डेथ, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे को मारा जाना क्यों ज़रूरी है। डैट यू शैल थिंक योर सेल्फ बाउंड टू पुट इट ऑन हिम, कि आपको ये लगेगा कि इसको मारा जाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ये काम करना बहुत अहम है। इट इज़ नाउ हाई सपर टाइम, हाई फुली, ये तो अब कम्प्लीटली, अब ये मुकम्मल डिनर का वक्त हो चुका है। एंड द नाइट ग्रोज टू वेस्ट, और रात जो है वो ज़ाया हो रही है। अबाउट इट, आप इसके बारे में सोचें यानी कैसे को मारने के बारे में सोचें। रॉड्रिगो I will hear further reason for this, मैं तुमसे बाद में इसके बारे में पूछूंगा कि इसको मारने की वजह क्या है। Iago and you shall be satisfied, और आप मेरी बात सुनकर मुतमईन हो जाएंगे, आपको इस पर अफसोस नहीं होगा। Rodrigo and Iago exit, इसके बाद Rodrigo और Iago वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही थैलो के एक्ट 4 का सीन 2 कंप्लीट हुआ। अगर आप बाकी एक्ट्स की ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर थैलो की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए, आपको वहां तमाम एक्ट्स की ट्रांसलेशन मिल जाएगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।